दोस्तों एम आई ने लॉन्च कर दी है अपनी ए सीरीज की टेलीविजन 32 इंच, 14 इंच और 43 इंच में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उन तीनों टीवियों के बारे में। तीनों ही टीवियों में अपने चैनल पर खरीदने वाला हूँ और अनबॉक्सिंग भी मिलेगी आपको, आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र रह सकते हैं। 25 तारीख से ये सेल पर जा रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, एम आई स्टोर पे और एम आई के ऑफलाइन स्टोर्स पे। 13,999 रुपये से इसकी कीमत स्टार्ट होती है। कुछ फीचर सेट की बात कर लूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियोस बनाना बड़ी मेहनत लगती है। यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू विल नॉट हैव टू पे अ सिंगल रुपीज एक्स्ट्रा। अगर इस वीडियो में जो भी टीवी की बात कर रहा हूँ शाओमी के, अगर आपको ये खरीदना है या फिर कुछ और अच्छी डील्स चाहिए हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको सभी अच्छी डील्स मिल जाएंगी। चुनिंदा डील्स होती है, अपन में से कोई भी टीवी खरीद सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन थ्रेड्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यू कैन व्हाट्सएप मी इफ़ यू वॉन्ट फॉर योर क्वेश्चंस। अगर आपको इस टीवी के बारे में या फिर किसी भी टीवी के बारे में कोई सजेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। 24 घंटे में हम डिस्काउंटेड लिंक और पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स के साथ आपको जवाब दे देते हैं। टीवी के बारे में बात करें तो 32 इंच का जो मॉडल है वो HD रेडी रहने वाला है जहाँ तक मुझे मालूम है। जो फुल HD रहेगा वो 40 इंच और 43 इंच का रहेगा। 20 वॉट के इमर्सिव स्पीकर इसमें देने वाले हैं जो कि डिसेंट से है। 20 वॉट ही लगभग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चल रहा है फिलहाल। उसके बाद प्रीमियम मेटल बेजललेस डिजाइन रहेगी। तो जो एक्स प्रो वाला जो सीरीज था वैसे मेटल बेजल देने वाले हैं जो कि काफ़ी सही होने वाला है। मैं मेटल डिजाइन है और बेजललेस है, बेजल मेटल नहीं देंगे बट अच्छा डिज़ाइन रहता है। एक्स प्रो का काफ़ी डिज़ाइन अच्छा था। एक्स प्रो नहीं, आई थिंक ए प्रो था, पता नहीं कौन सा था, मैंने अनबॉक्सिंग करी थी, आपकी स्क्रीन पर उसका थंबनेल आ रहा होगा। अच्छा टीवी था, अनबॉक्सिंग हमने कर दी। Xiaomi हर साल 32 इंच के मॉडल्स को अपडेट करता है पर यहाँ पर ए सीरीज़ नया आया है। इसमें खासियत ये है कि ये गूगल टीवी के साथ आने वाला है। पहला 32 इंच का Xiaomi का टीवी है जो गूगल टीवी और पैचवॉल और पैचवॉल प्लस के साथ में आने वाला है। 200+ लाइव टीवी चैनल आप देख सकते हैं पैचवॉल प्लस पे। डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है, 1.5 GB की रैम है, गूगल टीवी है तो वहाँ पर भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। प्रीमियम मेटल बेजललेस डिजाइन, मैंने पहले भी आपको बताया। अमेलियनर डिस्प्ले, मतलब एक्सपीरियंस लाइफ लाइक पिक्चर ऑन अ फुल HD डिस्प्ले विद डीपर कलर्स थैंक्स टू कलर गैमट जो रिचर्ड का है। लेकिन वो 43 इंच और 40 इंच की बात हो रही है, 32 इंच में HD रेडी ही आने वाला है। बिकॉज आई डोंट थिंक कि Xiaomi में इतना समझ है या फिर समझ तो है गया, लेकिन वो इस प्राइस पॉइंट पर 32 इंच में फुल HD ला सकते हैं, इतना नहीं हो पाएगा। विविड पिक्चर इंजन इनका जो Xiaomi का प्रोप्राइटरी है जो कि अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करता है। Xiaomi के टीवी अच्छे होते हैं ये बात मैं मानता हूँ और सब लोगों को बताता हूँ। इट्स जस्ट दैट कि कभी कभी वो दर-दर कर देते हैं, जैसे कि जो अभी मैंने जो लास्ट ईयर जो अनबॉक्सिंग करी थी प्रो सीरीज़ और नॉर्मल वाले की, वो तो 5A एंड 5A प्रो उन दोनों के इतना अच्छा नहीं था। अभी ए सीरीज़ में क्या नया लेके आते हैं देखने वाली होती थी। 5A प्रो काफ़ी अच्छा था बाय द वे। 20 वॉट का डॉल्बी ऑडियो मिलेगा, ठीक है। DTS:X एंड DTS:VSL:X का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट यू लव विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम गूगल, क्योंकि गूगल टीवी का इसका आपको सपोर्ट है। कंटेंट फर्स्ट UI रहता है इसमें, ऑब्वियसली रिकमेंडेशंस मिलती हैं, गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट बिल्ट इन, वॉच लिस्ट, MAN बोर्ड, किड्स प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल्स इसमें रहेंगी। एक साल की इसमें आपको वारंटी देखने को मिलेगी। 2 साल की पहले जो बोलते हैं वो पता नहीं पड़े कितना देखते हैं, मतलब कितना इतने किसी ने अप्लाई करी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन यू कैन एक्सटेंड दैट वारंटी अप टू 5 years बाय यूजिंग गो वारंटी। गो वारंटी इज अ वारंटी एक्सटेंशन सर्विस, को आपको सिंपल समझाता हूँ। होता क्या है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, आप उसको 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो एंड अगर उसमें कोई दिक्कत आती है यू जस्ट हैव टू कॉल गो वारंटी एंड गो वारंटी विल फिक्स योर डिवाइस। वो अपना सर्विस देंगे, वो आपके डिवाइस को ठीक करवा के देंगे। जेन्युइन पार्ट्स यूज होंगे, जेन्युइन सर्विस होगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस चीज़ में कि कैसे ठीक होगा। फ्री पिकअप एंड ड्रॉप रहेगा। टीवी है तो आपके घर पर आकर ठीक करेंगे, ठीक नहीं होगा तो यू विल गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट, वो चीज़ बेस्ट है। और ये सिर्फ टीवी नहीं, टीवी, फोन और भी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की वारंटी क्वेश्चन करके देते हैं। यू कैन चेक आउट गो वारंटी इन द डिस्क्रिप्शन, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं, फॉर मोर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। पैचवॉल प्लस का सपोर्ट है जिसमें 200+ लाइव टीवी चैनल्स देखने को मिलेंगे। ओके, इसके बाद आपको टॉप फीचर्स की बात करें तो यूनिवर्सल पैचवॉल के फीचर्स की बात बता रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल सर्च मिलता है जिसमें आप सर्च करते हैं तो वो संपूर्ण ऐप्स के अंदर जो अगर वो कंटेंट कहीं अवेलेबल है तो वो दिखाता है। उसके बाद लाइव चैनल्स का अलग से टैब मिल जाता है पैचवॉल में, कुछ जो फ्री के लाइव चैनल्स वो दिख जाते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स का अलग से मिल जाता है, अगर कोई स्पोर्ट्स कंटेंट अगर लाइव चल रहा है तो आप डायरेक्टली देख पाएंगे। टैब्स मिलते हैं बेसिकली, म्यूजिक का टैब है, स्मार्ट कलेक्शन का टैब है, Xiaomi होम का टैब है। इसमें आप अपने Xiaomi के और डिवाइसेस जो है जैसे कि Xiaomi का रोबोट है वो कंट्रोल कर सकते हो, Xiaomi का कैमरा है उसका लाइव फीड देख सकते हो वाया इंटरनेट एंड या एयर प्योरीफायर आपके घर में तो एयर प्योरीफायर को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। जो परफॉर्मेंस है वो 835 रहेगा, 8 GB की स्टोरेज है, 1.5 GB की रैम है। जो 835 का क्वाड कोर उन्होंने प्रोसेसर लगाया है, आई थिंक मोर देन इनफ तो नहीं है क्योंकि अब 2023 आ गया है, 2-3 साल से वही चल रहा है
और जो मीडियाटेक का पेंटोनिक है वो कब आने वाला है ये टीवीओ में। पेंटोनिक इज़ एन अमेजिंग चिप जो कि टीवी वाले सीन को बहुत अच्छा बना रहे हैं, क्योंकि गूगल टीवी एंड्रॉइड टीवी सब स्लो हो चुके हैं उसको इस मूवी प्रोसेसर पे जो 3-4 साल से चल रहा है। दिस इज़ हाई टाइम कि अब अच्छे प्रोसेसर को यूज़ करना चालू किया जाए, इवन बेस मॉडल वाले या फिर बजट रेंज या फिर स्टार्टिंग लेवल एंट्री लेवल वाले टीवीज़ में भी। फीचर रेडी बात करें तो HDMI ALM का सपोर्ट है, ऑटो लेटेंसी मोड का, ड्यूल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.0 में भी मिलेगा एंड मिराकास्ट का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। पोर्ट्स की बात करें तो 2 HDMI, 2 USB, 1 Ethernet, 1 AV इनपुट और 1 एंटीना का पोर्ट भी मिलेगा। रिमोट इसका जो ये हमेशा से अच्छा वाला रिमोट तो लोग अच्छा डालते हैं, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, यूट्यूब एंड डिजनी प्लस हॉटस्टार का आपको बटन उसमें मिल जाएगा। Xiaomi का रिमोट अच्छा रहता है, क्विक सेटिंग, क्विक वेक, क्विक मोड बोलते हैं, लेकिन म्यूट का बटन मिसिंग रहता है तो वो चीज़ मुझे पत्ती पसंद नहीं आती है। तो 43 इंच और 32 इंच के जो प्राइसिंग है वो भी आपको स्क्रीन पर आ रही है, आप चेक कर पाएंगे इजीली कि 43 इंच का कितना है। आई थिंक 20-22 हज़ार के आसपास देने वाले हैं, 40 इंच का 17-18 हज़ार के आसपास देंगे और 32 इंच का 13,900 रुपये। प्राइसिंग इस बार सही रखी है, क्योंकि जो Xiaomi A5 Pro था 16,000 का बेच रहे थे भाई, लेने का कोई मतलब नहीं था। अभी 14,000 रुपये में OnePlus से कम्पीट कर रहे हैं, OnePlus 11S से बेटर हो सकता है बिकॉज इट्स अ गूगल टीवी। 32 इंच में कोई भी बहुत अच्छा ब्रांड अच्छे गूगल टीवी के साथ नहीं आता है, वो सिर्फ एंड्रॉइड ही दे रहे हैं। ये पहला टीवी है जो एक वेल नोन ब्रांड है और गूगल टीवी का सपोर्ट देने वाला है। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। अगर आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट में बताइए कि क्या आप इस टीवी के लिए वेट कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं वहीं पर आपको इतना ट्रस्ट है कि सर्विस MI की बहुत अच्छी है, आपको हर छोटी छोटी सिटीज़ में भी सर्विस मिल जाती है, और जयपुर में जैसे मैं रहता हूँ तो 5-5 सर्विस सेंटर है, आप कहीं भी चले जाओ आराम से ठीक हो जाती है टीवी। तो अच्छा एक्सपीरियंस आपको सर्विस में भी देखने को मिलता है, आफ्टर सेल सर्विस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।